आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने घटकों के पृथक्करण डेप्यूरेशन ऑफ मिक्सचर्स के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम मिश्रण के शुद्ध पदार्थों के प्रकार टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने पदार्थों और मिश्रणों का अध्ययन किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के अनुसार तत्वों एलिमेंट्स या यौगिकों कंपाउंड्स में वर्गीकृत कर सकते हैं? आइए पहले हम तत्वों एलिमेंट्स के बारे में जानें। क्या आप जानते हैं रॉबर्ट बॉयल विश्व के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व एलिमेंट इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1661 में किया था, और फ्रांस के एंटोन लॉरेंट लुवाजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व एलिमेंट पदार्थ का वो मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतः धातु मेटल्स, अधातु नॉन मेटल्स तथा उपधातु मेटलॉइड्स में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए पहले हम धातु मेटल्स के कुछ गुणधर्मों के बारे में जानें। ये चमकीले होते हैं, इनका रंग चांदी जैसा सफेद या सोने जैसा पीला होता है। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये तन्य होते हैं और इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघात वर्ध्य होते हैं, इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इतने सारे गुण धर्मों वाले आखिर धातु के क्या उदाहरण हो सकते हैं? सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। और क्या आप एक मजेदार बात जानते हैं? पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य रहता है। आइए अब हम अधातुओं नॉन मेटल्स के कुछ गुणधर्मों को देखें। ये भिन्न रंगों में होते हैं। ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। धातुओं के विपरीत ये चमकीले नहीं होते हैं। ये प्रतिध्वनि पूर्ण भी नहीं होते और ना ही ये आघात वर्ध्य होते हैं। क्या आप इनके कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ब्रोमीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। और अंत में उपधातु ऐसे पदार्थ हैं जिनके गुण धर्म धातु और ठोस अधातु दोनों से मिलते हैं। ये धातुओं जैसे चमकीले होते हैं। ये विद्युत के अर्धचालक होते हैं। ये तन्य या आघात वर्ध्य नहीं होते। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि उपधातुओं के उदाहरण हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? आइए इसके बारे में एक क्रियाकल्प द्वारा समझें। दो पृथक पृथक चीनी मिट्टी की प्यालियों में 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर लें। अब पहली प्याली में लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं और दूसरी प्याली में लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। क्या दोनों प्यालियों में प्राप्त सामग्री दिखने में समान है?
प्याली एक में प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। ये रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है, जबकि प्याली दो में प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। अब दोनों प्यालियों में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। आप क्या देखते हैं? प्याली एक में प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है, जबकि प्याली दो में प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान नहीं है। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, फिर भी दोनों प्यालियों में प्राप्त सामग्री भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्याली एक में की गई क्रिया के फल स्वरूप पदार्थों में भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि प्याली दो में की गई क्रिया के फल स्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। प्याली एक में प्राप्त सामग्री दो पदार्थों लोहा तथा सल्फर का मिश्रण है। मिश्रण के गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के समान है। प्याली दो में प्राप्त सामग्री यौगिक है, जिसके गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। इस तालिका में आप मिश्रण तथा यौगिक के बीच के अंतर को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमने शुद्ध पदार्थों के प्रकार टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस का अध्ययन किया।